डे एवरी वन, आई एम मानसी वंस अगेन विद यू एंड वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखें। आप वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, इससे क्या होता है हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या क्या कॉजेज़ हैं इनके, ठीक है, या फिर इससे जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं वो क्या क्या हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को। सो स्टेप बाय स्टेप ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। सो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमोसफेयर में, वो क्या करती है, ट्रैप करती है हीट को नेचुरल प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ है मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के सराउंड में क्या रहती हैं, कुछ गैसेस रहती हैं। ठीक है, वो हमेशा राउंड एंड राउंड क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं यहीं पर। क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये हमेशा यहीं पर घूमती रहती हैं। सो ये वाली जो लेयर होती है, इसे लोअर मोस्ट लेयर, ये ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में ये हमेशा क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और इन गैसेस की वजह से जो सन से लाइट आ रही है, या मैं कहूँ सन से हीट आ रही है, वो क्या होती है, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, जिससे धीरे धीरे क्या होती है, गर्मी बढ़ती है। ठीक है, हीट बढ़ती है इस लेयर में, कौन सी, ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो किसके सिमिलर है, वार्मिंग इफेक्ट के सिमिलर है, जो कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, हॉर्टिकल्चर ग्रीन हाउस में। ठीक है, मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को उगाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, जो किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सन से हीट आती है वो इस ग्लास की वजह से क्या होता है, पूरे ग्लास को गर्म करती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लास गर्म होने के बाद इस पूरे ग्रीन हाउस में क्या करता है, हीट को जनरेट करता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट हो जाती है। ये जो गैसियस मेंटल है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, फॉर एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट, क्या बना रहा है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट बना रहा है हमारे ग्लोब के अराउंड। ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड में, और अलाउ करता है कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, कुछ कंसिडरेबल पोर्शन हो जो सोलर रेडिएशंस का, वो क्या कर सके, एंटर कर सके, कहाँ पर, हमारे अर्थ के सरफेस में। ठीक है, वहाँ पर एंटर कर सके, विच एब्जॉर्ब इट एंड रेडिएशन बैक इंफ्रारेड एंड हीट वेव्स। ठीक है, जिसको ये ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ रेडिएशंस वापस चले जाते हैं और कुछ जो हीट वेव्स होती हैं वो भी वापस चली जाती हैं। ठीक है, द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आर ग्लोब एंड इट्स एटमोसफेयर इज इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, याद रखना है। ठीक है, जो हमारे ग्लोब का पूरा सिस्टम है, ठीक है, और इसके एटमोसफेयर का पूरा सिस्टम है, वो किस स्टेट में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, विद द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एंड द एमिशन बैक टू स्पेस एज इंफ्रारेड एंड हीट वेव नियरली बैलेंसिंग ईच अदर। नेक्स्ट है, जो गैसेस हैं, वेपर्स हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, एक छोटी सी अर्थ बना रही हूँ। ठीक है, इसके सराउंड में क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर होगा, और उसमें क्या होंगी, गैसेस होंगी जो क्या कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं हीट को। ठीक है, किसको ट्रैप कर रही हैं, ये हीट को ट्रैप कर रही हैं। तो ये क्या करती हैं, अलाउ करती हैं पासेज को उन वाली रेडिएशंस की, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, 2900 A से 7000 A तक है ना। तो फिर क्या होगा, हालांकि ये जो इफेक्टिवली जो इंफ्रारेड होती है, उनकी हीट वेव्स कितनी होती हैं, 700 A ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेन रखने में सरफेस के टेम्परेचर को। ठीक है,
इसी रेंज के अंदर, कौन सी रेंज जिसमें क्या कर सकती है, हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, या फिर अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को क्या करती है, मतलब वेव्स को क्या करती है, अलाउ करती है, रेडिएशंस को अलाउ करती है। ये जो फिनोमिना है काफ़ी हद तक सिमिलर है ग्रीन हाउस के, इन विच द ग्लास एनक्लोज्ड एटमोसफेयर गेट हीटेड अप ड्यू टू द इंसुलेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, ग्लास का बॉक्स लिया जाता है, उसमें क्या करते हैं प्लांट उगाए जाते हैं जो हीटअप होता रहता है ग्लास यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है इंसुलेशन फॉर्म होता है और सब पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है। हैंस ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, इसीलिए हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। एंड द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, और जो गैसेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़ा कॉजेज हैं वो कुछ गैसेज हैं, ठीक है, जिनमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, मैथेन CH4, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, जिनके बारे में कि ये कैसे कॉज कर रही हैं ये मैंने आपको बताया था कल जो वीडियो अपलोड किया था जिसका क्या नाम था, ओजोन लेयर डिप्लिटेशन, ठीक है, ओजोन लेयर वाले वीडियो मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप उसमें जा करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इसका डीफॉरेस्टेशन, यानी कि जो प्लांट्स लगातार कटते ही चले जा रहे हैं, ये भी क्या है इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रॉब्लम जनरेटेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एक ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, जो हीट है लगातार क्या होती जा रही है, ट्रैप होती जा रही है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा अंदर वाला एटमोसफेयर है, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, हीटअप होता जा रहा है, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हालांकि हमने डिस्कस भी किया था कि ओजोन लेयर भी कुछ हद तक जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको आने से रोकती हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये टेम्परेचर तो आ ही रहा है, साथ साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी आ रही हैं, ठीक है, उसको रोकने में हालांकि कहीं हद तक हमारी ओजोन लेयर बहुत हेल्पफुल है, बट स्टिल कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है फिर भी, क्योंकि ओजोन लेयर भी क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है बहुत ज़्यादा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है उस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं, ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस गर्म हो रहा है, ठीक है, वो जो गैसेज हैं आसपास की वो गर्म हो रही हैं। अगर आप इंडिया में ही जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी बात करें, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, अगर आप उसमें, मैं सिर्फ यहाँ पर गर्मी की सीज़न की बात नहीं कर रही हूँ या सर्दी की सीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, और गर्मी में अगर आप कभी दिल्ली जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो ये जो आप देख यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना कहीं ना कहीं किसके लिए, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, राइज इन सी लेवल, ठीक है, क्योंकि अर्थ में क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते जा रहे हैं, या फिर जो माउंटेन्स पर बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे पिघल रही है, और वो सारी की सारी कहाँ पर जा रही है, जो अर्थ पर सी है उनके लेवल को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। रेज डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ वेदर डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है, ठीक है, ड्रास्टिक रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो ऐसी जगह पर ग्रो करते थे, ठीक है, जो यहाँ पर ग्रो करते थे, अब वो बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है, या जो एनिमल्स पहले यहाँ पर रहते थे वो उन्होंने या तो खुद को माइग्रेट कर लिया है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो इसके ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि
हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अर्थ का, ठीक है। सो जो लैंड्स हैं, कौन से एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, तो वो क्या हो जा रही है, सूख जा रही है, उनमें क्या जा रही है, ड्राइनेस आ जा रही है, वो ड्राई हो जा रही है, ठीक है। या फिर कुछ को हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही हमारे एग्रीकल्चर में पड़ रहा है, वैसे ही जो ह्यूमंस हैं उन पे भी क्या पड़ रहा है, एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप खुद ही देखिए कि जितनी पावर हमसे पहले वाली जनरेशन में थी, उतनी पावर आज की हम लोगों की जनरेशन में नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। आपको याद होगा टीवी में, यहाँ पे मैं कोई एक किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल जो आपने देखा होगा ग्लूकोन डी का एक ऐड आता था, ठीक है, क्या आता था उसमें, जो कि क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। आप देखते होंगे उसमें एक बच्चा स्कूल से आ रहा होता था पहले, ठीक है, बैग टांग के, और उसके ऊपर क्या दिखाते थे वो, ठीक है, सन दिखाते थे, ठीक है, जो क्या कर रहा है, उसमें से ग्लूकोज चूस रहा है, ठीक है, या फिर उससे एनर्जी चूस रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि आजकल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, कि हम किसी तरीके से अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, क्योंकि जो सन है वो एनर्जी चूस रहा है, और रियलिटी यही है कि उसमें एक पिक्टोरियल फॉर्म में उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये देख रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे हमारी एनर्जी चूस रही है, ठीक है, एक तरीके से हमारे अंदर से जो एनर्जी है, हम आते गर्मियों में अगर घर से बाहर निकलें तो वापस लौटते टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी का लेवल एसी लगाने के बाद भी इतना है कि उसको बियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। और अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं ये किसको इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ह्यूमन की हेल्थ पे ही इफेक्ट डाल रहा है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडिएशंस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से आज इतनी सारी बीमारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, थीके? जिसका कैंसर आज एक कॉमन डिजीज़ बन चुका है, ठीक है। जो आप देखते होंगे आपके आसपास भी, आपको कितनी डेथ देखने के लिए मिल जाएंगी, अपने घर में ही कितनी डेथ देखने के लिए मिल जाएंगी सिर्फ कैंसर के वजह से, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग भी है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न कौन है, हम ह्यूमंस हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। सो वी शुड मेक एफर्ट्स टू कट द करंट रेट ऑफ द यूज़ ऑफ CFC, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, फोसिल फ्यूल्स हैं, उनको जो हम बर्न कर रहे हैं या उनका जो यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा, उसको रोकना होगा, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करना होगा, ठीक है। जो लार्ज क्वांटिटी में कार्बन है वो कहाँ पे ट्रैप्ड रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, या फिर फॉरेस्ट की जो सोइल होती है उसमें रहता है, ठीक है। ये कहने की तो ज़रूरत नहीं कि जो ऑक्सीडेशन होता है किसका, कार्बन का, वो क्या करता है, ह्यूज क्वांटिटी में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, ठीक है, विच विल एडेड टू द एटमॉस्फेयर, जो अल्टीमेटली कहाँ पे जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बेसिक फॉर्म, ठीक है, जो मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। जो राइज है कॉन्सेंट्रेशन में इस गैस का, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है, वो भी एक तरीके से वार्मिंग को कोज कर रहा है, गर्मी को कोज कर रहा है, ठीक है, हमारे प्लेनेट को, वो भी उसको गर्म करने में हेल्प करता है। प्लेनेट जस्ट अ थिकर ब्लैंकेट मेक अस टू मच वार्म, ठीक है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में स्टोर हो रही है, ठीक है। हालांकि क्या होता है, कार्बन साइकिल होता है, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो सॉरी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ले लेते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब इतने प्लांट्स रहे ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये CO2 कहाँ जा रही है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में जा रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रही है, ये जा कर के गर्मी कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर सो माइल्ड कुड कोज सीरियस प्रॉब्लम फॉर मैनकाइंड, ठीक है, जो क्या करेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है हम लोगों के लिए।
जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या है, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, जिससे क्या हो रही है ग्लोबल एटमोसफेयर एंड देयर बाय टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप टू स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले कट डाउन द करंट रेट ऑफ द यूज़ ऑफ CFC एंड फॉसिल फ्यूल। ठीक है, यही मैंने प्रिवेंशन में बताया था कि पहले यही कि सबसे पहले मैं क्या करना होगा, कम से कम CFC एंड फॉसिल फ्यूल का यूज़ को कम करना होगा। ठीक है, एनर्जी को मोर इफिशेंटली यूज़ करना होगा जो भी अवेलेबल एनर्जी है फिलहाल। शिफ्ट टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बदले हमें किसको प्रेफरेंस देनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के पास जाना होगा हमें। ठीक है, इंक्रीज करना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शंस को। शिफ्ट करना होगा मतलब किससे, कोल से नेचुरल गैसेस पे। ठीक है, कोल की जगह हम क्या यूज़ करें, नेचुरल गैसेस यूज़ करें। ट्रैप एंड यूज़ ऑफ मैथेन एज फ्यूल। ठीक है, इनके मैथेन को हम ट्रैप कर पाएँ, ज़्यादा ज़्यादा उसको यूज़ करें फ्यूल में। ठीक है, पेट्रोलियम की जगह पे। ठीक है, रिड्यूस करना होगा बीफ के प्रोडक्शन को। ठीक है, यानी कि जो बीफ का प्रोडक्शन है उसको जितना ज़्यादा हो सके कम करें। ठीक है, एडॉप्ट करना होंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। ठीक है, और स्टेबलाइज करना होगा अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, जितना, क्योंकि आप देख रहे हैं जनरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो रिसोर्सेज हैं अब जितने भी हैं, पहले आपने पुराने वाले टाइम पे देखा होगा कि भले ही जो एक पर्सन है उसके काफ़ी काफ़ी बच्चे होते थे, बट उनको वो क्या होते थे, अब एक ही घर में रहा करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, एक ही घर में रहा करते थे। अब क्या हो गया है, सब ने अपने अलग अलग घर बना लिए। ठीक है, हर एक फैमिली को अपना घर चाहिए, अलग घर चाहिए। ठीक है, और सभी को रिसोर्सेज भी अलग चाहिए, सभी को फ्रिज चाहिए, सभी को AC चाहिए, सभी को सभी चीज़ें चाहिए। तो पहले जबकि ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी, इस वजह से क्या हो रहा है कि इनसे भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं ना ही एग्रीकल्चर लैंड इतने बचे हैं, ना ही फिर हम मैक्सिमम क्या खा रहे हैं, केमिकली सिंथेसाइज फूड खा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये भी इसकी वजह से भी क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। तो हमें स्टेबलाइज करना होगा अपनी पॉपुलेशन को, इफेक्टिवली रिमूव करना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्रॉम स्मोक एंड स्टे। यहाँ पर आपको क्या करना है, CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी CO होता है, बट यहाँ पर क्या है, CO2 है। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लें यहाँ से, CO2। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना होगा एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके। सो ये थे छोटे छोटे से तरीके जिनसे आप क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं किसको, ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।